आप सबको होली की राम राम. कमिंग टू द फेस्टिवल ऑफ होली. होली फेस्टिवल वॉज देयर आर मेनी स्टोरीज बिहाइंड इट. द स्टोरी ऑफ प्रहलाद नरसिम्हा. यू नो द वर्ड होली कम्स फ्रॉम द वर्ड होला एंड इट्स टाइम व्हेन अ गुड हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एंड देयर इज अ थैंक्स गिविंग टू द क्रिएटर कि भगवान आपने इतनी अच्छी फसल दी, आपने इतना अच्छा हमें हार्वेस्ट दिया. उसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है बाय सेलिब्रेटिंग होली एंड होला के रूप में इसको होला से होली आई. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. माई अंडरस्टैंडिंग माई टेक वुड बी ऑन दिस साइड. वी कैन हैव डिफरेंट कल्चरल रीजंस व्हाई वी सेलिब्रेट इट बट आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल वन इज दैट इट्स अ कलर इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. एंड इफ यू टू सी अलग अलग कलर हैं, अलग अलग तरह के लोग आपसे मिलते हैं और आपके मुंह पे कलर लगाएंगे. देयर सम कलर्स व्हिच यू वुड लाइक. कोई आपको अच्छा कलर लगता है एंड यू वुड वांट दैट कलर टू बी पुट ऑन योर फेस. बट अभी आपके हाथ में नहीं है, वो तो उसकी चॉइस है कि उसने क्या कलर लगाना है. एंड यू विल सी सम कलर्स ऑन योर फेस व्हिच यू मे नॉट वांट और यू मे नॉट लाइक बट देन दे आर कलर्स. इट इज जस्ट आई थिंक आई टेक इट इन अ वे वेयर कि लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स. सम आर वाइब्रेंट, सम आर डल, some are some we like, some we may not like, some are full of life and some yet not full of life, but all colors are important. That's the way I look at it. All colors are important. If you were to see a canvas aur us canvas mein ek painter jo hai paint kar raha hai and he has certain picture in mind aur us picture ko pura karne mein is samay usne gray color lagaya. Canvas us samay sirf gray ko dekhta hai. और कैनवस बोलता होगा कि यार नहीं चाहिए ग्रे कलर, आई वांट ऑरेंज, आई वांट ब्राइट येलो. लेकिन वो जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो ग्रे लगा रहा होगा, कहीं वो ब्राउन लगा रहा होगा, कहीं वो ब्लैक लगा रहा होगा, कहीं पर ऑरेंज लगा रहा होगा. बट कैनवस को उस समय उसे ऑरेंज दिखता है या ब्लैक दिखता है या ग्रे दिखता है या ब्राउन दिखता है. बट द आर्टिस्ट नोज द कंप्लीट पिक्चर. तो मुझे लगता है इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन योर लाइफ एट दैट मोमेंट यू माइट बी गोइंग थ्रू अ ग्रे कलर. And you might be shouting and screaming and saying, ये grey color क्यों मेरी life में? But the artist there, he has a complete picture. He knows वो canvas तभी अच्छा दिखेगा जब उसमें सारे colors अपने आप सही जगह पे होंगे, तो painting अच्छी दिखाई देगी. I think this festival, when you apply colors, when you will play, keep this in mind. That number one, let's be thankful to creator. Let's be thankful to God कि इतना सब कुछ है, इतनी अच्छी हार्वेस्ट है. The harvest is not be our farmers, but harvest can be in the form of work, business, family, life, city life, all our blessings. They're just a harvest. इतने सारे हमारे पास आशीर्वाद हैं, बड़े बुजुर्गों के, दोस्तों के, ये सब हार्वेस्ट ही तो है, एक फसल ही तो है. Let us be thankful to God. And second, whatever is happening in life, whatever color, जो भी इस समय color, जो भी रंग इस समय आ रहा है, let us be grateful for that color. For when we look back after some time, और हम उस painting को देखेंगे पूरा, तो वो painting will make more sense, more meaning to us. शायद इस समय sense नहीं हो रहा, इस समय समझ नहीं आ रहा, but आगे जाके समझ में आएगा. And third, all said and done, थोड़ा खेल लेना होगी. Don't worry about your skin. Play with some good colors. Play with some. Don't buy sasta, मजबूत टिकाऊ कलर. क्योंकि वो टिकेगा तो नहीं. Right? It might cause some harm to you and to the environment. We got some environment-friendly colors. Use those colors. But खेलो. We are blessed. We are blessed to be in a country where we have so many wonderful festivals. In fact, we have every month we have a festival. A major one which we can celebrate. And all festivals are supposed to be celebrated. हर फेस्टिवल जो है ये क्रिएट करते हैं. इन फेस्टिवल से क्या होगा, आम जनता जो है कुछ हरकत करेगी. कोई कोई भजन गाएगा, कोई कुछ गीत गाएगा, कोई कुछ नाच करेगा, कोई कुछ दिए जलाएगा, कोई कुछ घर में बनाएगा, कोई घर को साफ करेगा. ये कुछ करते हैं तो सेलिब्रेशन की फीलिंग आ जाती है. और कुछ करने से ही वो इमोशन क्रिएट होता है. इसलिए इतने सारे फेस्टिवल्स हैं कि हर मौके पे आप कुछ करो तो आप एक फीलिंग लाओगे. नोबडी हैज फेल्ट
frustrated while lighting a lamp in Diwali. Nobody has felt sad, depressed, dejected while decorating the house during a festival. अब तुम चकली बाजार से भी ला सकते हो. You can get your gunjiyas from market also, and you can still make a few at home. I'm not saying you make a lot, but you can still make a few at home. So when you make a few at home, there is this flavor of happiness, of celebration, which is there in the house. तो अभी क्या हो गया है? The way we are living our lives, हमने बहुत सी चीज़ करना बंद कर दी. हमारा करना बंद. करना बंद हो गया है तो सोचना बंद हो गया. सोचना बंद हो गया तो इमोशन आने बंद हो गए. इमोशन आने बंद हो गए तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है. दीज फेस्टिवल्स आर वंडरफुल टाइम्स. आप सबको होली की राम राम.